जम्मू कश्मीर के पुंछ में 24 घंटे बीत गए हैं सेना की गाड़ी पर। यहां पर कल आतंकी हमला हुआ था, 5 जवान उसमें हमने अपने खो दिए थे। शहीद जवानों में 4 पंजाब के जबकि 1 ओडिशा के हैं। हमला भीमबर गली और पुंछ के बीच राजौरी सेक्टर में हुआ। आतंकवादियों ने भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस दौरान ग्रेनेड के संभावित हमले से गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 1 घायल है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक विभाग के आला अधिकारियों की टीम राजौरी पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिवारों तक, उनके घर तक पहुंची, वहां पर मातम पसर गया। शहीद जवानों के परिवार वालों का रो रोकर इस वक्त बुरा हाल है। जवानों की शहादत से हर किसी की आंखें नम है। परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। परिवार वालों ने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। जो 5 जवान यहां शहीद हुए हैं, उनमें से 4 पंजाब के थे तो 1 ओडिशा के रहने वाले, और इस हमले में लुधियाना के हवलदार मनदीप सिंह, गुरदासपुर के सिपाही हरकिशन सिंह, मोगा के लांस नायक कुलवंत सिंह, भटिंडा के सिपाही सेवक सिंह और ओडिशा के पुरी जिले के लांस नायक देवाशीष शहीद हुए हैं। मेरे को पता चला तकरीबन शाम को 7 बजे। अच्छा जी। मेरी मेजर सिद्धार्थ से बात हुई थी जी। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हो गया है, उधर मनदीप सिंह शहीद हो गए। बोले कि 11 बजे उधर से राजौरी मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलेगी गाड़ी, उनको डेड बॉडी लेके वो तकरीबन 8 बजे के आसपास शाम को पहुंचेगी। कल शाम को पता चला कि वो उधर कोई उसके घटना वापर गई, वो शहीद हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक लड़का छोटा, एक छोटी बच्ची है सर। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि जो भी शहीद हुआ है उसके परिवार को जो भी उसकी रक्षा की जाए, जो भी उसकी सहायता की जाए, और जो जिसने भी ये काम किया उसको शहीद किया उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरी भी यह बेनती है कि उसके परिवार को सरकार ने सहूलत देनी चाहिए। उसकी बेटी है तो उसका बच्चा भी बाल होने वाला है, तो मेरी ये बेनती है कि सरकार को भी उसके परिवार को सहूलत दी जाए। किस तरह पता लगा है इस नूं? मतलब मैं कह रहा, मेरे वड्डे ब्रदर नूं रह रहा दा टाइम होया वा, ते फोन कंपनी कमांडर ने किया मेरे ब्रदर नूं कि पहुंचने विच अतवादी हमला ग्रनेड दे नाल होया वा, गड्डी 5 जवान फौज दे शहीद होए ने, 1 जख्मी आ। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सेना पर हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी रोष है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। और हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नजीर, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जांच चल रही है, अभी क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन जाहिर सी बात है कल से यहाँ एक ऑपरेशन जारी है, तलाशियां जारी है, कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके को घेरे में लिया है ताकि जो भी आतंकी इस हमले के पीछे हैं उनको पकड़ा जाए या मार गिराया जाए। ये तीसरा वाका है पिछले 4 महीनों में पूंछ राजौरी में इतना बड़ा हमला। कल 3 बजे के आसपास ये
इसको आर्मी ट्रैक पे हमला किया गया। और जब जो आज जानकारी मिल रही है, जो मिलिटेंटों ने जो स्टील बुलेट्स या जिनको आर्मर पेरिसिंग बुलेट्स बोलते हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर सकते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते सकते हैं, वही स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। उसके बाद कुछ प्रोजेक्टाइल या ग्रेनेड दागा, जिससे गाड़ी में आग लगी और 5 जवानों की मौत हुई, एक शदीद घायल है। लेकिन ये एक ही वाका नहीं है। जनवरी में वहां बेगुनाह लोगों पे वहां हमला हुआ राजौरी में। 17 दिसंबर को एक आर्मी कैंप पे आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 निहत्ते लोग मारे गए। पहले ये बताया गया शायद आर्मी की फायरिंग से मारे गए। लेकिन इन तीनों वाकात में एक चीज कॉमन है कि तीनों वाकों के बाद जितने भी इंसिडेंट हुए, मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए। 3 महीने से अभियान था कि लोग कह रहे हैं कि जो राजौरी अटैक में मुलव्वस है उनको क्यों नहीं अभी तक ट्रैक डाउन किया गया, नहीं कर पाए। बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को वहां लिया गया, VDCs को एक्टिवेट किया गया। और जब लोग अभी ये सवाल ही पूछते हैं उसका क्या बना, तो एक और घटना घटी। तो प्रशासन और पुलिस सुरक्षा फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह न सिर्फ इन हमलों को रोका जाए, बल्कि जो इन हमलों के पीछे, खासकर ये 3 हमले हुए हैं, 17 दिसंबर को एक जनवरी को दूसरा, और कल तीसरा ये हमला इसी इलाके में हुआ और जिसमें काफी नुकसान हुआ सिविलियन और आर्मी का, तो इन तीनों हमलों में जो आतंकी थे वो भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। 2-3 चीजें अहम है इसमें। नंबर 1, ये हमला उस वक्त हुआ जब अगले महीने कश्मीर घाटी में श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली, वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने वाली है टूरिज्म पे। ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल जरदारी भुट्टो यहाँ SCO मीटिंग के लिए गवाह आ रहे हैं नेक्स्ट महीने। और ये हमला उस वक्त हुआ जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोनों आर्मी एक सीज फायर कंट्रोल लाइन पे है, और उस सीज फायर का एक आम कंडीशन ये भी है कि कोई बड़ी आतंकी घटना न हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। और उसके अलावा जो इंटरनल चैलेंज ये है कि जब राजौरी में हुआ हमला सिविलियंस पे, 7 सिविलियन मारे गए, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए, होम मिनिस्टर खुद जम्मू पहुंचे, वहां रिव्यू मीटिंग ली और उनको कहा कि भाई आपके लिए डेडलाइन है सुरक्षा फोर्सेस के लिए कि आप 3 महीनों के अंदर जम्मू में 0 मिलिटेंसी होनी चाहिए, यहाँ कोई हमला नहीं होना चाहिए। और 3 महीने के एग्जैक्टली बाद हम देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना हुई है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ यही आया हो कि पहले फायरिंग हुई, उसके बाद कुछ ग्रेनेड जैसा प्रोजेक्टाइल दागा गया, और उसके बाद अभी तक आर्मी ने कल कहा कि जो बाकी डिटेल्स है उनको वो उनकी जांच कर रहे हैं, एसटेन कर रहे हैं। NIA इसकी जांच, NIA जो इन्वेस्टिगेशन में जुट जाएगी, क्योंकि दूसरे जो वाकात है उसमें भी NIA यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितने भी बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो जम्मू जो है, जो आतंक का वो थिएटर है कश्मीर घाटी से ज्यादा अब जम्मू में उसका असर दिखाई दे रहा है, और ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वहां हो रहे हैं। जी नजीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो 4 महीने के भीतर 3 हमले हुए, और बड़ी बात यह है कि हमलावर हर बार भागने में कामयाब रहे हैं।